हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं ले आया हूँ आप सभी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करने वाला फॉर्म या स्लिप। तो आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप चाहते हो कि आप एक एफडी करो अपने अकाउंट में, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को भर के कैसे है जो कि एक एफडी को कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो पूरी डिटेल देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना किसी देरी के हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है इसको आप कहते हो टर्म डिपॉजिट पे इन स्लिप। तो आपको जो कि ये फॉर्म मिल जाएगा आपके बैंक ब्रांच में, आप जाओगे तो वहीं पर रखे होते हैं। आपको सिंपली देखना होगा ये टर्म डिपॉजिट लिखा है कि नहीं। अगर ये लिखा है तो समझ जाइए ये एफडी करने वाला ही फॉर्म है। तो इसमें अब आपको क्या क्या भरना होगा, तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या भरना होगा। इसमें जो कि आपको इस वाले साइड से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको बताने की। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेट भरोगे, तो जिस भी डेट को आप अपनी एफडी करने के लिए फॉर्म भर रहे हो बैंक में जमा कराओगे वो है जो कि यहाँ पर आप डेट भर दोगे। और उसके बाद है जो कि यहाँ पर डेट भर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना होगा। तो देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर है जो कि अपना अकाउंट नंबर को फिलअप कर देते हैं। पर आप सभी को बता दूं यहाँ पर आपको जो कि अकाउंट नंबर फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका बैंक कर्मचारी फिल करेगा। क्योंकि जब भी आप अकाउंट के साथ कोई एफडी वगैरह कराते हो तो ये है जो कि एक अलग टर्म डिपॉजिट की है, जो कि एक अलग अकाउंट नंबर क्रिएट होता है। तो इसे आप कुछ नहीं करोगे, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आओगे, यहाँ पर है जो कि आप अपना नाम लिखोगे। तो जो भी आपका नाम है वो आप है जो कि यहाँ पर लिख दोगे अपना प्रॉपर नाम। और उसके बाद है जो कि यहाँ पर आप आओगे, देखिए कह रहा है मोड ऑफ पेमेंट। तो जो आप अपना करने वाले हो एफडी उसकी पेमेंट आप कैसे करोगे, तो इसकी पेमेंट करने के आपको दो तरीके मिलते हैं। या तो आपके पास कैश है तो आप कैश की एफडी करा रहे हो, या अकाउंट में पैसा है तो उसकी एफडी करा रहे हो। तो मान के चलिए कैश की एफडी है तो यहाँ पर जो कि मैं कैश लिख दूंगा। अगर आप अपने अकाउंट से पैसे कटवा रहे हो तो आपको एक चेक देना पड़ेगा, और जहाँ मैंने ये कैश लिखा है उसकी जगह आप है जो कि चेक लिख दोगे मोड ऑफ पेमेंट में चेक। और उसके बाद यहाँ पर आओगे, देखिए यहाँ पर आपको भरना होगा पीरियड पूछ रहा है, यहाँ पर पीरियड पूछ रहा है कि कितने समय के लिए आप यहाँ पे एफडी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं जब भी आप एफडी करते हो अपने बैंक में जाके, तो सबसे पहले एफडी करने जाने से पहले आपको जो कि चेक कर लेना होगा कि आपका बैंक अभी क्या एफडी में क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है, कितने समय के लिए करोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये सब चीज आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो या बैंक में जाके बात कर सकते हो, उनसे पूरी जानकारी ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जो कि कितने समय की एफडी कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं 12 महीने की एफडी कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कि मंथ के आगे है जो कि मैं 12 लिख देता हूँ। मैं सिर्फ 12 महीने के लिए एफडी कर रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट मुझे अभी पता नहीं है तो मैं खाली छोड़ देता हूँ। अगर आपको पता है तो भर दीजिए, अगर कुछ पता नहीं है यहाँ पर तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर देखिए अपना अमाउंट भरना होगा आपको। तो अमाउंट आप यहाँ पे वर्ड्स में भरोगे, जितने भी आप रुपए की एफडी कर रहे हो, जैसे कि मैं 1 लाख की एफडी कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कि मैं भर देता हूँ 1 लाख। तो ये है जो कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ 1 लाख भर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर जो कि रुपीस आपको भरना होगा अपने नंबर के फॉर्म में, जैसे कि 1 लाख रुपए की एफडी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए जो कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप जो कि एफडी जो कर रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट कैसे लेना चाहते हो। कई लोग मंथली लेते हैं, कई लोग क्वार्टरली लेते हैं, कई लोग जो कि मैच्योरिटी के साथ ही जो कि पूरा अमाउंट के साथ ही अपना लेते हैं जो भी इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर आप मंथली लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर सिंपली मंथली लिख दोगे, अगर क्वार्टरली लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्वार्टरली लिख दोगे, या आप चाहते हो मैच्योरिटी पे आपको मिले सब कुछ तो मैच्योरिटी लिख दोगे यहाँ पर, इस तरीके से आप ये भर दोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आप आते हो नीचे, तो नीचे आपको ये यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको अपना वो अकाउंट नंबर भरना है जिसमें कि आप चाहते हो आपके एफडी का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो। तो जैसे कि आप जो कि इस पे टिक कर दोगे मेरे बचत खाता, और जो भी एसबीआई बैंक का आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। इससे होगा क्या, जो भी आपका आप इंटरेस्ट रेट लोगे या जब आपकी एफडी की मैच्योरिटी होगी तो आपके इस वाले अकाउंट में ही आपका पूरा का पूरा अमाउंट है जो कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर है जो कि आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना होगा, जो भी अकाउंट होल्डर ये फॉर्म भर रहा है वो यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर करेगा। उसके बाद है जो कि यहाँ पर आपको जो कि अपना ब्रांच भर देना होगा, जो भी आपकी ब्रांच है वो भर दोगे आप यहाँ पे। और इस तरफ आते हो तो इस तरफ देखिए, अगर आप यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हो तो सिंपली है जो कि यहाँ पर आप कैश लिख दोगे, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेक लिखोगे और अपना अमाउंट लिखोगे जितना रुपये भी आप जमा करवा रहे हो। 1 लाख की एफडी कराना चाह रहा हूँ, 1 लाख मैंने भर दिया है यहाँ पर। उसके बाद अब इस तरफ का काम है जो कि आपका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है।
अब आपको सीधा आना है इस तरफ। इस तरफ क्या भरना होगा, आपको भरना होगा फिर से अपना डेट, यहाँ पर जिस भी डेट को आप एफडी कराना चाह रहे हो वो डेट। और फिर है चूंकि यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर अपना नाम भरा है उस तरीके से यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर रुपीज़ भर दोगे जितने रुपये की भी आप एफडी कर रहे हो वो यहाँ पर है चूंकि भर दोगे। जैसे कि मैं 1 लाख की कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 लाख है जो कि मैं भर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अपना पैसा, तो आप कैश में दे रहे हो तो कैश, चेक में दे रहे हो तो चेक, और यहाँ पर है जो कि चेक लिख के आपको नीचे जो कि चेक का नंबर भी जरूर मेंशन करना है। ऐसे करके आप अमाउंट लिख लोगे और उसके बाद है जो कि आपका फॉर्म फिलिंग का काम है जो कि पूरा हो गया। तो जितना भी कुछ इसमें भरना था वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब आपको क्या करना होगा, तो देखिए अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो अपने एफडी के लिए तो एक है जो कि कैश लेके जाए आप अपने फॉर्म के साथ 1 लाख रुपये। अगर आप चेक के द्वारा पेमेंट करना चाह रहे हो तो एक चेक ले जाए आप और उसको है जो कि इसके साथ अटैच करें, उसमें अमाउंट भरे 1 लाख रुपए, जितने की भी रुपए की आप एफडी कर रहे हैं सबका अलग अलग होगा, तो अपना अमाउंट भरे और उस पर जो कि आपको वहां पे बता दिया जाएगा पे वाले ऑप्शन में क्या लिखना होता है, और वहां पर आप भरिए और साइन करिए और इसके साथ जो कि जमा कराइए। जमा कराने पे जो कि ये वाला तरफ है जो कि ये देखिए ये वाला है, ये है जो कि आपको बैंक वाले स्टैंप मार के देंगे, तो इस रसीद को संभाल के रखिए। और जो आप कुछ भी एफडी कराते हो बैंक में तो बैंक है जो कि आपको एक पूरा है जो कि बॉन्ड बना के देता है एक रिसिप्ट के तौर पे, तो वो है जो कि आपको जरूर से जरूर बैंक से ले लेना होगा। एक बॉन्ड होता है जिसपे सब कुछ लिखा होता है कि आप कितने रुपए की एफडी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, सब कुछ आपको जो कि उस फॉर्म पे लिखा होता है, तो वो स्लिप जरूर से जरूर बैंक से रिसीव करे और एक बार पूरा है जो कि चेकआउट कर ले। उसके बाद आपकी एफडी हो जाती है और फिर जो कि आप मैच्योरिटी पे अपना क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो कि अपना SBI बैंक का है जो कि इस वाले टर्म डिपॉजिट स्लिप को भर के FD वगैरह कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी और बैंक में है जो कि अकाउंट है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI बैंक हो गया, आपका BOB बैंक हो गया या यूनियन बैंक हो गया, इनका आप वीडियो लेना चाहते हो तो सारी वीडियो हमने बना रखी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।